हेलो चैम्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम एनपीओ चैप्टर, जो आपकी सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आई हैव ऑलरेडी शेयर सम वीडियोज कवरिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, तो अगर आपने वो वीडियोज देख लिए हैं तो ये एमसीक्यूज आपके लिए काफी ईजी होंगे। तो मेक श्योर टू नो द कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट, तभी आप ये कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जनरली शोज अ डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, सरप्लस डेफिसिट या कैपिटल फंड। देखो, सरप्लस डेफिसिट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर होता है, कैपिटल फंड को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, तो आंसर ए या बी में से ही होगा। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, जैसा आपको पता है, इज अ समरी ऑफ कैश बुक या कैश अकाउंट, जैसा आप इसे समझे। तो यहाँ पे इसका बैलेंस बी डी होता है नॉर्मली, और यहाँ पे इसका बैलेंस सी डी होता है। इसकी नेचर रियल अकाउंट की नेचर है, डेबिट साइड कैश का आना दिखाती है और क्रेडिट साइड कैश का जाना दिखाती है। अदर देन कैश इन हैंड, ऑफ कोर्स कैश एट बैंक की भी यहाँ पे बातें होती हैं। तो नॉर्मली बैलेंस सीधे यहीं पे आता है, तो इसे हम कहते हैं डेबिट बैलेंस। तो जब बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आती है तो उसे डेबिट बैलेंस कहते हैं, इतना तो आपको पता ही है, बिकॉज डेबिट बैलेंस का मीनिंग होता है कि डेबिट साइड बड़ी है, राइट। सो यहाँ पे कैश और बैंक दोनों की बातें होती है। वैसे आपको पता है कि अगर बैंक की बात करें हम स्पेशली, तो बैंक का बैलेंस सीधे इधर भी आ सकता है, बिकॉज इन केस ऑफ बैंक पेमेंट्स कैन बी मोर देन रिसीट्स इफ वी यूज द फैसिलिटी ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। बट कैश के केस में रिसीट्स ज्यादा ही होंगी पेमेंट से, तो बैंक का बैलेंस सीधे किसी भी साइड आ सकता है, बट कैश का इसी साइड पे आएगा। तो क्वेश्चन है जनरली किस साइड पे बैलेंस आता है, तो जनरली तो यही आता है, बिकॉज नॉर्मली द रिसीट्स आर मोर देन पेमेंट्स, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए, जनरली किस साइड पे बैलेंस आता है। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, कैपिटल नेचर ओनली, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल, इनकम ऑफ ओनली रेवेन्यू नेचर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ओनली कैपिटल नेचर। So of course the answer is revenue nature only. Income and expenditure account is quite similar to P&L account. इसमें हम सिर्फ show करते हैं revenue expenditure और revenue receipts. This is a very basic thing. और income and expenditure account की जो balancing figure होती है उसे हम surplus या deficit बोलते हैं, profit loss नहीं बोलते, because normally यहाँ पे NPO profit के लिए हमने create ही नहीं किया, तो profit word use नहीं करेंगे, either surplus or deficit. Then the amount of subscription received from members by a non-profit organization is shown. So subscription is a very important income for any NPO. ये एक revenue receipt होती है, इसे हम normally show करते हैं credit side of income and expenditure account में। ये एक special item है, इससे related काफी सारे cases हमने discuss किए हैं, make sure to cover those cases. Then donations, अगर आपको एक special purpose के लिए मिली है, तो मैंने last ही video में discuss किया था, जैसे donation received for match fund, तो ये उसी match fund में add हो जाती है या उसी fund में credit हो जाती है, और definitely इन्हें हम show करते हैं balance sheet में। तो donations अगर हमें specific purpose के लिए मिली है तो एक चिंता बन जाती है, एक liability बन जाती है, और अगर normal donations है, कोई purpose specified नहीं है, तो वो एक revenue receipt है, फिर हम उसे income की तरह ही शो करते हैं, राइट। उसके बाद सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ये एक बात आप देख लीजिए कि सब्सक्रिप्शन अगर नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, तो वो एक रेवेन्यू रिसीट है, बट इसमें भी अगर सब्सक्रिप्शन आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है तो ये भी बन जाती है कैपिटल रिसीट, जैसे डोनेशन में भी होता है, राइट। सो सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय अ स्कूल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जैसे ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पे यू हैव टू ऑर्गेनाइज एन एनुअल फंक्शन, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिली है, तो ये एक लाइबिलिटी बन जाती है, चिंता बन जाती है, तो सब्सक्रिप्शन में भी ये बात वैलिड होती है। वैसे अगर सब्सक्रिप्शन के साथ कुछ नहीं लिखा है तो वो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है, तो नॉर्मल इनकम है, बट अगर वो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए है तो लाइबिलिटी है या कैपिटल रिसीट। अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस रिसीव बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इफ इट इज रिसीव्ड रेगुलरली, देखो यही पे ही आंसर छुपा है, इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर रेगुलरली आपको मिल रही है एंट्रेंस फीस, तो ये रेकरिंग नेचर की है, रेवेन्यू नेचर की है, तो ये एक आपकी रेवेन्यू रिसीट है, इसे हम क्रेडिट साइड पे शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस भी हमें मेंबर्स से मिलती है व्हेन दे जॉइन द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉर्मली दिस इज अ रेवेन्यू रिसीट, इसे हम नॉर्मल इनकम की तरह शो करते हैं।
कई बार क्वेश्चंस में वो लिखते हैं कि एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करो, फिर उसको कैपिटल नेचर का मानते हैं, बट यहाँ तो क्लियरली लिखा है कि ये आपको रेगुलरली मिल रही है, तो इसकी रेवेन्यू नेचर है. ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज शोन इन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. आपको पता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम कौन सी बातें शो करते हैं, इस साल जो हमें पैसे मिले और इस साल जो हमने पेमेंट्स की, अगर हमारी पॉकेट में पैसे आए, हमारी पॉकेट से पैसे गए. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी तो हो नहीं सकता क्योंकि दिस इज ड्यू बट नॉट पेड. डेप्रिसिएशन भी हो नहीं सकता क्योंकि दिस इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. अक्रूड सब्सक्रिप्शन भी नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. तो लाइफ मेंबरशिप फीस आप शो करेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्योंकि ये आपको मिली है इस साल. वैसे मैं आपको बता दूं ये रेवेन्यू नेचर की नहीं होती, दिस इज अ कैपिटल रिसीट. फिर हम इसे शो करते हैं बैलेंस शीट में. ऑफ कोर्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स में शो करेंगे, फिर बैलेंस शीट में भी ये शो होती है. कैसे शो करते हैं, लायबिलिटी साइड पे कैपिटल फंड में हम इसे ऐड करके दिखाते हैं. तो इस चैप्टर में कैपिटल की जगह वर्ड यूज होता है कैपिटल फंड, और उसमें हम ये लाइफ मेंबरशिप फीस को ऐड करके दिखाते हैं. ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करते. देन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की नेचर, ये तो बहुत सिंपल है और इम्पॉर्टेंट भी है. रियल अकाउंट, और ये किस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, राइट. और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की नॉमिनल नेचर होती है, यहाँ पे आ गया, इसकी नॉमिनल नेचर होती है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है, तो अक्रूअल बेसिस को. जो इनकम्स इस साल को बिलोंग करती हैं या जो एक्सपेंसेस इस साल को बिलोंग करते हैं, हम वही शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रेडिट बैलेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स. तो एक बार देख लेते हैं, क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे एक्सपेंडिचर आते हैं, यहाँ पे इनकम आती है. क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि क्रेडिट साइड बड़ी है, तो यहाँ पे अगर बैलेंस आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. दिस इज एक्चुअली सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें से कौन सी एक कैपिटल रिसीट है जो लंबे समय को रिप्रेजेंट करती है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करते. सो द करेक्ट आंसर इज लाइफ मेंबरशिप फीस या लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन. डोनेशन हम यहाँ पे नॉर्मल ही मान रहे हैं, जनरल डोनेशन, तो ये नॉर्मल इनकम है, रेवेन्यू नेचर की हो गई. सब्सक्रिप्शन के साथ कुछ नहीं लिखा तो रेवेन्यू नेचर. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स इज ऑल्सो रेवेन्यू रिसीट, बट लाइफ मेंबरशिप फीस इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड, तो ये कैपिटल नेचर की होती है. ओके, देन लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे बेसिक सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन है, वो सब्सक्रिप्शन जो हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. मैंने काफी सारे केसेस आपके साथ डिस्कस किए, जो केस वन है वो सबसे बेसिक केस है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. सब्सक्रिप्शन जो आपको मिली है ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज 40,000. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर वॉज 1,500 एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर वॉज 2,000. Subscriptions received in advance for next year is 800. आपको बताना है कि what is the amount of subscriptions जो हम credit करेंगे income and expenditure account में. बहुत ही simple है. Starting with जो subscriptions हमें इस साल मिली है, हमारी basic assumption होती है सबसे पहले वो मिली होंगी जो पिछले साल ड्यू थी बट वो इस साल को बिलोंग नहीं करती, पर इसमें इंक्लूडेड है तो इसमें से कर दोगे माइनस जो लास्ट ईयर की ड्यू सब्सक्रिप्शन है. इस साल की जो अभी भी ड्यू है वो इसी साल को बिलोंग करती है तो उसे हम कर देंगे ऐड. और जो सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिली है फॉर नेक्स्ट ईयर, वो इस साल को बिलोंग नहीं करती तो उसे हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच वी शुड शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो द सिंपल आंसर इज 39,700. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आपको मिली है 50,000. देखते हैं पूछा क्या है. अमाउंट क्रेडिटेड, वट अमाउंट इज टू बी क्रेडिटेड. तो वही सिंपल लॉजिक लगेगा. इस साल हमें 5 लाख की सब्सक्रिप्शन मिली है, सबसे पहले वो मिली होंगी जो पिछले साल ड्यू थी बट वो इस साल को बिलोंग नहीं करती, तो माइनस इस साल जो अभी भी ड्यू है वो इसी ईयर को बिलोंग करती है तो प्लस. देन सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में मिली है फॉर नेक्स्ट ईयर उसको हम कर देंगे माइनस, और सब्सक्रिप्शन जो हमें एडवांस में मिली थी लास्ट ईयर वो इस ईयर को बिलोंग करती है तो उसे हम कर देंगे प्लस. वेरी सिंपल, वेरी बेसिक. सो द आंसर विल बी 5,04,000. कैलकुलेट करके देखो. चलिए आगे देखते हैं. देन सो
अब यहाँ पे भी आपसे पूछ रहे हैं व्हाट अमाउंट आर यू गोइंग टू शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया जहां पे भी आपको मेंबर्स वाली इंफॉर्मेशन गिवन होती है ना, तो ये बहुत इजी हो जाता है टू टेल कि हम क्या वैल्यू शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो हमारे यहाँ पे जैसे 200 मेंबर्स हैं और हर मेंबर ने साल भर में 1,000 रुपीज की सब्सक्रिप्शन देनी है, तो सिंपली मल्टीप्लाई करो, विल गेट 2 लाख रुपीज। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट बिलोंग्स टू दिस ईयर, जो हमें इस साल मिलना चाहिए। मिला है या नहीं दैट इज अ सेपरेट थिंग, क्योंकि जो इस साल मिलना चाहिए, जो इस साल को बिलोंग करता है, वही अमाउंट हम शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सिंपली वो आपसे पूछ रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या वैल्यू शो करोगे। तो जितने मेंबर्स हैं उन्होंने जितनी आपको सब्सक्रिप्शन देनी है, सीधा मल्टीप्लाई करो टू गेट द आंसर। आगे का नहीं भी पढ़ोगे तो भी इट्स ओके, सच एन इजी केस। देन ये मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड जो टॉपिक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइज फंड इज 32,800। तो प्राइज फंड हम लाइबिलिटी साइड शो कर रहे हैं बैलेंस शीट में। ड्यूरिंग द ईयर हमें डोनेशंस मिली है विच आर रिलेटेड टू दिस फंड, तो ये हम फंड की वैल्यू में ही कर देंगे एड। लाइबिलिटी साइड हम प्राइज फंड दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में 32,800। जो डोनेशंस हमें मिली है फंड से रिलेटेड वो इसी में कर देंगे हम एड। अमाउंट स्पेंट ऑन प्राइजेस, तो अब हमने प्राइज फंड के पैसे को यूज किया है टू गिव प्राइजेस, एंड हमें इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट मिला है जो इन्वेस्टमेंट्स इस फंड से रिलेटेड थी, राइट। सो दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्राइज फंड विच दे हैव आस्क्ड फॉर। सो द आंसर इज 39,900। सिंपल है, देख लीजिए एक बार। ओके, देन आगे देखते हैं। सैलरी पेड इन कैश ड्यूरिंग द करंट ईयर वाज 30,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी बता रहे हैं प्रीवियस ईयर की, आउटस्टैंडिंग सैलरी बता रहे हैं करंट ईयर की। सैलरी पेड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर, आपको बताना है कि किस अमाउंट को हम डेबिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, जैसे हमने सब्सक्रिप्शन में लॉजिक अप्लाई किया था सेम हियर। The only difference is कि subscription एक income थी NPO के लिए और salary एक expense है, but simple है। तो जो salary हमने pay की है इस साल that is 30,000, सबसे पहले वो pay की होगी जो last year due थी, तो वो इसमें included होगी, but वो इस year को belong नहीं करती, तो हम कर देंगे उसे minus। Then जो salary अभी भी due है for this year at the end of this year उसे हम कर देंगे add, और जो सैलरी हमने एडवांस में पे की है दैट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर उसे हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ सैलरी विच बिलोंग्स टू दिस ईयर विच शुड बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो द करेक्ट आंसर इज 28,400। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये टॉपिक भी हमने कवर किया था अंडर कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। सो यहाँ पे जैसे स्टेशनरी की वैल्यू आपको गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स और पेमेंट जो आपने की है फॉर स्टेशनरी। तो ये आपसे पूछ रहे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी जो आप शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो वो वही होता है ना विच इज स्टेशनरी यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। सो वी स्टार्ट विद पेमेंट, वी स्टार्ट विद द पेमेंट वैल्यू, फिर उसमें हम कहते हैं कि ओपनिंग स्टॉक को कर दो प्लस विच इज 3,000, क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट कर दो। देन ये जो हमने पेमेंट की है स्टेशनरी की, सबसे पहले उन्हें पे किया होगा जो लास्ट ईयर ड्यू थे, जिन्हें हम लास्ट ईयर नहीं पे कर पाए थे पर वो इस साल को बिलोंग नहीं करते, तो माइनस, यानी ओपनिंग क्रेडिटर्स को माइनस और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को प्लस। सो दिस इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इन दैट टॉपिक, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए, एंड ऑफकोर्स ये सिंपल भी बहुत ज्यादा है। तो इसका सही आंसर हो गया जैसे 57,800, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको फंड से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। देयर इज एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड, सेल ऑफ मैच टिकट्स। आपको पता है जैसे मैच फंड को आप लाइबिलिटी साइड शो करेंगे बैलेंस शीट में, और सेल ऑफ मैच टिकट्स आप इसी फंड में ऐड कर देंगे बिकॉज दिस इनकम इज रिलेटेड टू द फंड। ये आपके साथ मैंने डिस्कस किया था। डोनेशंस जो मिली है आपको मैच फंड से रिलेटेड, वो भी आप इस फंड में ऐड कर देंगे।
देन जो मैच एक्सपेंसेस हैं वो इस फंड में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, तो उन्होंने पूछा क्या है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द अबव आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले हम एक बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं, तभी हम आंसर दे पाएंगे. सो ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट वी हैव 5 लाख विच इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड. उसमें हम प्लस करेंगे सेल ऑफ मैच टिकट्स 3,75,000, प्लस करेंगे डोनेशंस दैट इज 1,24,000 और मैच एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे. बट एक बार देख लो यहाँ पे जो फंड का बैलेंस है कहीं वो एक्सपेंसेस से कम ना हो. जैसे अगर अब देखें हमारे पास कितने रुपए का फंड है इस वक्त, दिस वुड बी 9,99,000 और हमारे जो खर्चे हैं मैच के वो तो 10 लाख है, वो इस फंड में से कवर अप नहीं हो सकते. तो मैक्सिमम एक्सपेंसेस जो इसमें से कवर हो सकते हैं दैट इज 9,99,000 और वो कवर अप करने के बाद हमारा फंड हो जाएगा खत्म. एंड जो एक्सपेंसेस इस फंड में से कवर अप नहीं हो पाए उन्हें हम शो करेंगे ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज मैच एक्सपेंसेस, कि इतने के मैच एक्सपेंसेस फंड में से कवर नहीं हो पाए. दिस आई हैव डिस्कस्ड विद यू. तो एक बार देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है. नेगेटिव बैलेंस ऑफ मैच फंड रुपीज 1,000 विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. नो, नेगेटिव यहाँ पे हम नहीं शो करेंगे. जो नेगेटिव इसमें से कवर नहीं हो पा रहे उसको यहाँ शो करेंगे और यहाँ पे तो निल आ जाएगा. देन ओपनिंग बैलेंस ऑफ द मैच फंड रुपीज 5 लाख विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज एट 1 April 2018. तो ओपनिंग बैलेंस शीट की यहाँ पे बात हो रही है, मतलब लास्ट ईयर के एंड में जो आपने बैलेंस शीट बनाई होगी उसमें जो मैच फंड की वैल्यू है वो 5 लाख होगी ऑन द लाइबिलिटी साइड. यस डेफिनेटली, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है तो ये लास्ट ईयर से आ रहा होगा और लाइबिलिटी साइड पे ही शो किया होगा, तो ये सही लग रहा है. बट आगे भी पढ़ेंगे एक बार. देन negative balance of match fund rupees 1000 will be shown on the expenditure side of the income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. sahi lag raha hai na ye bhi. So the correct answer will be D, both B and C. sabhi options ko read karna zaruri hai. to yahan pe dekhte hain ek bar, out of the following which is unrestricted fund. to main aapko ek bar basic bata dun कि जो फंड्स होते हैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास वो दो तरह के होते हैं. एक अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स होते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया कैपिटल फंड जिसे आप जनरल फंड भी कहते हैं, कॉर्पस फंड भी कहते हैं, अक्यूमुलेटेड फंड भी कहते हैं. इस पैसे को आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. द पर्पस इज नॉट क्लियरली स्पेसिफाइड, अक्यूमुलेटेड फंड. और इसे भी डेफिनेटली हम शो तो लायबिलिटी साइड पे ही करते हैं बैलेंस शीट में, बिकॉज दिस इज अ फंड. और इसमें हम ऐड करते हैं सरप्लस अगर हुआ है और माइनस करते हैं डेफिसिट. जैसे आप ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट में जैसे यहाँ पे दिखाते हो कैपिटल, उसमें प्लस करते हो नेट प्रॉफिट या माइनस करते हो नेट लॉस. बट यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल फंड होता है. पहले तो कैपिटल वर्ड में कैपिटल फंड यूज करते हैं. इसमें हम ऐड करते हैं सरप्लस या डेफिसिट जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आया है. तो ये जो कैपिटल फंड होता है ये एक अनरिस्ट्रिक्टेड फंड होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो इसका सही आंसर तो डेफिनेटली होगा कैपिटल फंड. कैपिटल फंड, वैसे मैं आपको बता दूं स्पोर्ट्स फंड तो एक रिस्ट्रिक्टेड फंड है, एन्यूटी फंड भी एक रिस्ट्रिक्टेड फंड है, एंडाउमेंट फंड भी एक रिस्ट्रिक्टेड फंड है. बट इनका मीनिंग बस एक एक लाइन में अगर मुझे आपको बताना हो तो स्पोर्ट्स फंड तो आपको पता है जो आपने पैसे सेट असाइड किए हैं और इससे आप कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स ही करवाएंगे. हो सकता है आपकी एनपीओ इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स लाइक अ स्पोर्ट्स क्लब. देन एंडाउनमेंट फंड में क्या होता है, बेसिक सा मीनिंग देखो. यहाँ पे जो पर्सन आपको डोनेशन दे रहा है वो कहता है कि इस डोनेशन के पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर दो और जो इस इन्वेस्टमेंट से इनकम आएगी उस इनकम को आप यूज करोगे फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस.
एनपीओ उस पैसे को यूज करेगी फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। तो यहाँ पे डोनेशंस का देखा जाए तो जो अमाउंट है वो सेम रहता है, क्योंकि सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट की इनकम को यूज करोगे फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए ये जानना, बट यस, दिस इज द बेसिक मीनिंग दैट डोनर ने आपको डोनेशन दिया, उसने कहा इस डोनेशन को कहीं इन्वेस्ट कर दो, और इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा वो आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो ये एक रिस्ट्रिक्टेड फंड है, और एन्युटी फंड भी एक रिस्ट्रिक्टेड फंड होता है। यहाँ पे भी डोनर हमें कुछ एसेट्स देता है और कहता है कि इनकी इनकम को आप यूज करोगे फॉर द बेनिफिट ऑफ सम बेनिफिशियरी, और धीरे धीरे फिक्स्ड पेमेंट करोगे बेनिफिशियरी को। बेसिक सी चीजें हैं, ये भी एक तरह का रिस्ट्रिक्टेड फंड है। तो इसका सही आंसर है कैपिटल फंड, विच इज एन अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। राइट, सो दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम दिस चैप्टर, काफी सिंपल भी थे। और भी वीडियोस आएंगे एनपीओ से रिलेटेड अभी आपके लिए, वो भी आप कवर जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।